उत्तर प्रदेश में भी बड़ी भ्रष्टाचारी बहुत गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार थी, अब वो नहीं है। चुनाव हुए वहां पर, हमारी सीटें चुनाव से पहले केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 40 थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ हम लोग जनता के बीच में गए, हमने कहा विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता कौन, तो लोग बोले नरेंद्र मोदी। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, तो सबने बताया नरेंद्र मोदी। और अगर पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है तो हम चुनाव कैसे हार सकते थे। तो हम उत्तर प्रदेश की 40 सीटों से बढ़कर के 325 विधायक जिता करके लाए। अब आप लोगों को जैसे मैं वहां कहता था कि अब की बार 300 पार, तो लोग कहते थे 40 इनकी सीटें, 40 विधायक है, 40 से 300 कैसे पहुंच जाएंगे। तो आज जैसे पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है ना कि अब की बार 200 पार, तो हम बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 300 पार हो सकते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी 200 पार हो सकते हैं। पूर्ण बहुमत की एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे, जिस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान दिया जाएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा, माताओं बहनों की सुरक्षा किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और जो हमारे किसान, मेरे किसान भाई होंगे यहां पर अन्नदाता, भारत सरकार के खजाने पर देश के सभी राज्यों का अधिकार होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, अगर उस योजना पे किसान विरोधी, गरीब विरोधी ममता बनर्जी जी की सरकार ने रोक नहीं लगाई होती तो 2 साल का समय हो गया है, 3 साल का समय हो गया, 3 साल में एक एक किसान के खाते में 18,000 रुपया पहुंच गया होता। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी सबसे पहला काम जो होने वाला है, जो 18,000 बकाया हो गया है, जो आगे का आपको जोड़ करके मिलने वाला है, मुझे लग रहा है कि पहली किस्त के रूप में सभी किसानों के खाते में 20,000 रुपया सीधे नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेज दिया जाएगा। मेरे समझ में नहीं आया करता है कि ये टीएमसी के लोग गरीबों और किसानों के विकास के मार्ग में बाधा क्यों डालते हैं। मुझे हावड़ा जोन के कई विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में जाने का मौका मिल रहा है, गरीबों की भलाई की बात तो ये सोचते नहीं। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार मुझे मिले जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, दीदी ने भी जब देखा कि बहुत तेजी से बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो यहां का गरीब आदमी भी नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम न जुड़ने पावे उसे केवल बंगला आवास योजना के नाम से, जो भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है उसे आप तक पहुंचा। हमें बंगला आवास योजना में कोई समस्या नहीं, आप नाम वही रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री बंगला आवास योजना करती तो आपको क्या समस्या होती। आपको लगता है लोगों की आंख में धूल झोंक करके गरीबों के भलाई का काम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, आप उससे लोगों को भटका देंगी, उनको दूसरा कुछ चित्र दिखा देंगी कि इससे आपका भला होने वाला है, नहीं होने वाला। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से शायद हर गरीब के घर तक चावल पहुंचाने का काम भारत सरकार के खजाने से किया गया। मैं नहीं जानता आप सब में से सबको मिल पाया कि नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे सूचना मिली कि बहुत सारे लोगों को जो मिलना चाहिए, 9 महीने लगातार जो आपको मिलता रहा मिला,
लेकिन 9 महीने अलग से प्रधानमंत्री जी ने किया व्यवस्था और उसमें से कुछ आपको मिला, उससे भी आप, क्योंकि इतना अधिक दिया गया है कि अगर उसमें टीएमसी वाले अपना कट मार ले गए होंगे तो आपको पता ही नहीं चला होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां पर यह कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं अभी बता रहा हूं, अभी मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, वहां पर टीएमसी के लोगों ने मेरी गाड़ी के सामने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम तो राम भक्त हैं, हम गोली से नहीं डरने वाले हैं, तो गोली से कहां डर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, अपना खून बहाया, फर्जी मुकदमों में हमारे लोगों को जेल भेजा गया है। और इस सभा से खुलेआम कह रहा हूं, जब यहां पर चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बलिदान का सम्मान किया जाएगा, और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके जेल भेजा गया है वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और असली मुकदमे जो गुंडे और अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए नहीं किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। यह आप सब विश्वास रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई एक राज्य में नहीं है, देश में तो है ही हमारी। गिनती गिनाने लगो तो एक तरफ से उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के आसाम से लेकर के त्रिपुरा से लेकर के मणिपुर से लेकर के गोवा से लेकर के कर्नाटक से जहां आप नजर दौड़ाएंगे, आपको चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है सुशासन। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मतलब है गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मतलब है माफिया सिर्फ माफिया है, अपराधी सिर्फ अपराधी है, ना उसकी कोई जाति है ना उसकी कोई पार्टी है, लेकिन टीएमसी ने गुंडों और माफियाओं को पालने का काम किया है। ममता दीदी, आपकी पार्टी और आपके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया है, वो फूटने वाला है। अब टीएमसी जांचे जांचे ना, यही बोलना है ना, टीएमसी जांचे बीजेपी, टीएमसी जा रही है बीजेपी आ रही है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये तो मैं देख रहा हूं कि आपकी आवाज इतनी बुलंद है, उस बुलंद आवाज के भरोसे मैं कह सकता हूं कि यह विधानसभा ही नहीं, मैं अभी जिला अध्यक्ष जी से घोषित से आपके बात कर रहा था कि 6 विधानसभा सीटें हैं आप जिले में आपके, मुझे 6 की 6 विधानसभा सीटें चाहिए, तो उन्होंने विश्वास दिलाया है आप सबके भरोसे, गलत नहीं कह दिया मुझसे, जीत लोगे, टीएमसी के गुंडे और अपराधियों से डरोगे तो नहीं। मैं आप सब पर भरोसा करता हूं, हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले हैं। अब इस समय मुकदमा जनता की अदालत में आ चुका है, टीएमसी के गुंडों कान खोल करके सुन लो, अब ये 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं है जिसमें तुमने लोगों को वोट डालने से रोका है, बूथों पर कब्जा किया है। अगर ईमानदारी से चुनाव होने देते तो बीजेपी के सांसदों की संख्या 18 नहीं 36 होती, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन आप सब लोग आज से तय करिए, अभी से तय करिए, लगिए चुनाव में। चुनाव आयोग कभी भी तिथि घोषित कर सकता है, चुनाव प्रचार का अभियान तीव्र गति से चलना चाहिए। वोट डालने के मामले में पश्चिम बंगाल का यद्यपि रिकॉर्ड है, लेकिन सब लोग तय करिए कि हम सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोई गुंडा ये नहीं है कि आपके गांव के सामने खड़ा हो गया, अगर कोई वोट देने गया तो टीएमसी का गुंडा कहेगा अच्छा चुनाव के बाद तुमको देख लेंगे। अब वो टीएमसी के कोई गुंडे चुनाव के बाद आपको नहीं देख पाएंगे, आप केवल टीएमसी के गुंडों की सूची बनाते रहना, डायरी में लिखते रहना, क्योंकि बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। या मन के अंदर रखिएगा, तैयारी करिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर है, विकास के पथ पर है, पश्चिम बंगाल विकास से क्यों पीछे छूट रहा है,
क्यों पश्चिम बंगाल के किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल के किसानों को जो 18,000 खाते में जाना चाहिए अभी तक क्यों नहीं गया है, क्यों यहां न्याय अत्याचार करके आपको दीदी कौन सा सुख मिलता है। वो कहती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर से आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के समय हमारे अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत में सबसे पहला बलिदान दिए हैं, वो पश्चिम बंगाल से थे। दीदी आप यह नहीं जानती स्वामी विवेकानंद जी पैदा तो पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर हुए हैं, लेकिन देश में नहीं दुनिया में उनकी पूजा होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं दावे से बता रहा हूं जितना सम्मान पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, विद्यासागर राय जी का, खुदीराम बोस जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, मैं तमाम नाम ले सकता हूं क्योंकि अनेक अनेक नामों की ऐसी धरती है जिस धरती में महापुरुषों की जो श्रृंखला है वो अनंत है, कोई गिनती नहीं गिनी जा सकती। उनका आदर सम्मान पूजा जो जिस योग्य है पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे देश में होती, पूरी दुनिया के अंदर होती। और दीदी कहती बीजेपी वाले बाहर से आए हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं यहां कोई बाहर वाला ना विधायक बनने वाला है और न मंत्री बनने वाला, न मुख्यमंत्री बनने वाला है। जो विधायक बनेगा वो पश्चिम बंगाल वाला बनेगा, जो मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा वह पश्चिम बंगाल वाला बनेगा। लेकिन इनकी घबराहट है, घबरा गई कि नहीं दीदी, ममता दीदी घबराई कि नहीं इस समय, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ममता दीदी इस समय डर गई है। तो जिनके बीच में कभी नहीं जाती थी उनके बीच में अब जाना शुरू किया, अन्यथा केवल वसूली के अलावा दूसरा कोई काम ही उनके पास नहीं रहता था। एक उनके भतीजे सांसद है, उनके बारे में पता चलता है संसद से लेकर के पश्चिम बंगाल तक क्या अराजकता मचा रखी है, सत्ता के बल पर इतना अहंकार, इतना अत्याचार, इतना माफियाओं को संरक्षण। राजनीति का अगर अपराधीकरण किसी ने किया है तो टीएमसी ने किया है, ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया। पुलिस और प्रशासन का टीएमसी करण अगर किसी ने किया है तो ममता दीदी जी आपने किया है, आपकी सरकार ने किया, आपके भतीजे ने किया है, आपके पार्टी के गुंडों और अपराधियों ने किया। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने चाय पर इस चर्चा के बीच में यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके यह पश्चिम बंगाल के चुनाव पर केवल पश्चिम बंगाल की नजर नहीं है मेरे भाइयों बहनों, पूरे देश की नजर है, पूरे देश की नजर, और भरोसा भी है। जिससे भी पूछो बताओ इस बार क्या होगा तो सब लोग कहते हैं टीएमसी जाचे और बीजेपी, सब लोग कह रहे हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूं, ऐसे में कभी कभी गाड़ी से अलग जा करके दुकानों में लोगों से मिलता हूं, मैं पूछता हूं जरा ये भेष बदल करके पूछ लेता हूं, टीएमसी का झंडा देखता हूं तो मैं कहा कि टीएमसी को आप लोग वोट देंगे, टीएमसी क्या है यहां पे, कहने झंडा तो लगाया हुआ अभी डर के मारे, लेकिन हमारे अंदर मोदी जी है, भाजपा है और कमल का फूल है, है कि नहीं ऐसा? लोगों के लोग डर के मारे टीएमसी का झंडा लगा रहे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं खुल करके लड़ना चाहता न लड़े, लगा रहे नहीं तो कुछ दिन झंडा, लेकिन इनका झंडा तो जाने ही वाला है, गुंडागर्दी जाने वाली है। ये टीएमसी और टीएमसी का झंडा डंडा गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया है। जहां हमारी सरकार है यहां, मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूं और उप मुख्यमंत्री के नाते बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक अपराधी अपनी जमानत निरस्त करवा करके अपने आप जेल चले गए, क्योंकि उनको मालूम है अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। ये अंतर होता है। और यहां जो गुंडे अपराधी जेल में रहे होंगे वो सब जमानत करा करके बाहर छुट्टा घूम रहे हैं, लोगों परेशान कर रहे हैं, लोगों धमका रहे हैं, तो
तो यह बदलाव की बेला है और बदलाव की बेला में जो आंधी, मैं पहले कहता था हवा चल रही है, अब मैं कह रहा बीच में कह रहा था आंधी चल रही है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं तूफान चल रहा जिसमें टीएमसी उड़ जाएगी। उड़ा दोगे? ये लोकतंत्र की ताकत है, उड़ाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, नहीं कि आपको बम मारना है, बंदूक मारना है, आप सबको केवल अपने वोट की ताकत दिखाना है। क्योंकि जो वोट की ताकत दीदी ममता बनर्जी की है, जो वोट की ताकत केशव प्रसाद मौर्य की है, जो वोट की ताकत आपके जिला अध्यक्ष और मनोज जी की सबकी है, जो वोट की ताकत देश के राष्ट्रपति की है, वही वोट की ताकत यहां बैठे हुए और जो यहां नहीं बैठे उन एक एक नागरिक की है। अपने वोट की ताकत को पहचानो और अपने वोट का सदुपयोग करो। सबको अवसर दिया है, यहां कांग्रेस भी शासन कर चुकी, कम्युनिस्ट भी शासन कर चुके और टीएमसी की गुंडागर्दी आप देख रहे हो, वर्तमान पीढ़ी देख रही है। अब आने वाली पीढ़ियों को ऐसा खराब दृश्य ना देखना पड़े, आने वाली पीढ़ी को सच्चा राम राज्य देखने का अवसर मिले, ये मौका आपके हाथ में है, ये बदलाव की परिस्थिति आज आपके हाथ में है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह निवेदन अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव के समय जो जिस तरह से भी भूमिका निभा सके उस तरह से निभावे, लेकिन यह सुनिश्चित करके जाइए कि टीएमसी के लोगों को जीतना तो दूर, किसी भी सीट पर इनकी जमानत नहीं बचनी चाहिए, जमानत बचाने के लिए तरस जाए। इनको जनता की ताकत का एहसास होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि गुंडागर्दी के सामने जनता कभी नहीं झुकती है और गुंडागर्दी या लाठी डंडे और बंदूक के सामने जनता झुकती तो इस देश से अंग्रेज कभी वापस नहीं जाते। जो राम भक्त है अगर गोलियों से डरता, लाठियों से डरता, जेल जाने से डरता तो श्री राम लला की जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर का निर्माण नहीं शुरू हो सकता था। अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो स्वप्न है साकार हो पाता क्या? धारा 370 हटाने का काम 35 से हट पाती क्या? उस समय तो राष्ट्र देश के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आरामबाग जिले के जो भी लोग जाना चाहें जाएं। अब पश्चिम बंगाल में जमीन खरीदिए, मकान खरीदिए और वहां महल बनाइए, कारखाना लगाइए। अब पश्चिम बंगाल जैसे आपके लिए है वैसे जम्मू काश्मीर आपके लिए हो गया है। और ये स्वामी प्रसाद, ये अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्ण बहुमत में केंद्र में सरकार बनी तो उसने डॉक्टर साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया, पूरा देश स्वागत कर रहा। मैं आप सबसे इसलिए आह्वान, अपील, प्रार्थना, तो भैया मैं तो रहूंगा भी आपके बीच में चुनाव तक, जब तक चल रहा है, चुनाव के बाद भी आप लोग बुलाएंगे तो उसके बाद भी आऊंगा, लेकिन चुनाव तक तो मैं आपके बीच में लगातार हूं। मैं इतना ही कहूंगा, लड़ने से हम डरते नहीं है लेकिन हमें लड़ना नहीं है, अभी हमें अपने लोगों को जगाना है, एकजुट करना है और जब चुनाव होंगे तो अपने वोट की शक्ति दिखाना है, अपने ईवीएम मशीन को कमल के फूल से लबालब कर देना है। या तो काली मैया का स्थान है, हम लोग तो दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है कि जब भगवान या भगवती माता देती हैं तो छप्पर फाड़ करके देती हैं। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो वातावरण देख रहा हूँ, छप्पर तो बहुत कमजोर होता है, यहाँ के लोग तो छत फाड़ करके भी देने के लिए तैयार है। इसे आप सब यहाँ प्रबुद्ध जन भी हैं, हमारे गांव के अलग अलग प्रकार से अपने जीवन यात्रा को संचालित करने वाले लोग हैं, हमारी मातृशक्ति माताएं बहने दीदी लोग हैं यहाँ पर। मैं सबसे अपील करता हूँ इस चुनाव को भाजपा का चुनाव नहीं, इस चुनाव को पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत करने वाला चुनाव मानिएगा और अपना पूरा संपूर्ण योगदान देने का काम करिएगा। और मैं यूपी में एक नारा लगाता तो नारा लगा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चाहे कई बातें आएंगी, कई तरह के लोग अफवाह फैलाएंगे, बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, परेप करेंगे जिससे बीजेपी बदनाम हो, लेकिन आप सब यह ध्यान रखना कि होने वाले चुनाव के समय बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी को और कमल का फूल, समझ रहे ना? यह याद रखिएगा, यही आप सबसे अपील, निवेदन, प्रार्थना करते हुए देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। एक बार फिर दीदी तक पहुंचाइए,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।